अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इशू से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज लाइक कीजिए। रुक करेंगे आरिफ आला का, जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफीक फूल। गांव में फौदगी पर आए मेहमानों पर जुल्म की इंतहा, मुखालफिन ने मेहमानों का भी ख्याल ना किया। फौदगी पे आए मेहमानों पे मेजबान की मुखालफिन ने हल्ला बोल दिया, मार मार कर अगमुआ करके नकदी मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। पुलिस भी बासर अफराद के साथ साजबाज हो गई। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हसन है, मैं साहिवाल का रहशी हूँ और स्टडी करता हूँ। इधर नदीम मेरा दोस्त है, तकरीबन 2-2.5 साल से हमारा तल्लक है। इसकी कज़न इधर फौत हुई थी, मैं उसके पास आया था तजियत के लिए। जब हम तजियत करके तकरीबन शाम के टाइम वापस जा रहे थे तो हमें नहीं पता था कि इनका कोई बरादरी बेस पे मसला चल रहा है। जब हम इनके चुरस्ते पे आए तो जी नदीम का इनका कोई अपनी बरादरी मैटर पर मसला चल रहा था। तो जब हम वापस चुरस्ते पर आए, जहाँ से हम इधर अड्डे की तरफ आते, तो वहाँ पर नासर ग़ुलाम अली वगैरह कुछ चांद लोग खड़े थे, जिन्होंने हमें वहाँ पे रोका। उनके पास पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल के ज़ोर पे हमें रोक के। जी मैं नहीं जानता था उनको। जी जी सर, हमने उधर थाने सदर पे नहीं सर, उस वक्त उन्होंने हमें पकड़ लिया था और हमें मारते रहे। हमें पकड़ के उन्होंने हमसे उन्होंने मोटरसाइकिल बाइक वगैरह और जो मोबाइल हमारा वो उन्होंने छीन लिया और 15 पे कॉल करके हम लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। उल्टा? हाँ जी उल्टा, हमें उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, फिर क्या बना? जब हम लोग थाने चले गए, दूसरे दिन नदीम भाई ने हमें आके छुड़वाया। तकरीबन हम